Question number 11. A equals to 2 minus 6, 1 minus 2. सबसे पहले determinant of a matrix है 2 minus 6, 1 minus 2. 2 into minus 2, minus 4, 1 into minus 6, minus 6 और आगे minus का sign, plus 6. 2 not equals to 0, A inverse क्या हो जाएगा? Exist. अब formula से आगे बढ़ेंगे तो A equals to I into A, 2 minus 6, 1 minus 2, 1 0, 0 1, 2 A. प्रोसीजर बच्चों वही रहेगी, यहां पे 1 0 1 n 0. तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं r1, r1 plus minus 1 into r2 means, ऐसा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो को सेकंड में से आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट. 2 minus 1 is 1, minus 6 minus minus plus 2 minus 4, this one 1 minus 2, 1 minus 0 1, 0 minus 1 is minus 1, 0 1 into A. अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं वही स्टेप यहां पे वापस लिख के कंटिन्यू करने की ट्राई करूंगा. तो 1 minus 4, 1 minus 2, 1 minus 1, 0, 1 into A. अब ऑलरेडी यहां पे 1 आ चुका है, तो यहां पे क्या चाहिए, 0. तो जिसके चलते वेरी इजी, r2, r2 plus minus 1 into r1. बच्चों ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेकंड रो को फर्स्ट में से सबट्रैक्ट कर दो, हुआ तो वही अल्टीमेट 0. अब सेकंड रो को फर्स्ट में से सबट्रैक्ट, minus 2 minus minus plus 4, 2, 1 minus 1. अब 1 minus 0 1 minus 1, देखो सेकंड रो को, सेकंड रो को फर्स्ट में से, मतलब इसको minus 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी डिस्टरबेंस है हम लोग देख लेते हैं. तो ये minus 4 plus 4 minus 2, तो ये सही जा रहे हैं, but ये 1 into minus 1, minus 1 added to 2, मतलब minus 1, और ये minus 1 into minus 1, 1 plus 1 is 2 into A. ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए, 1, 2 से 1 निकालना, यहाँ पे 0 है. तो अब ऐसे केसेस में लॉजिक यही होगा बच्चों कि सेकंड रो को 1 by 2 से मल्टीप्लाई या तो 2 से डिवाइड. तो 1 minus 4, 0, 1. अब 1 minus 1, 1 by 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 into A. अब यहाँ पे 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, तो यहाँ पे 0 चाहिए. तो हम बोल सकते हैं कि R1, R1 plus 4 into R2, सेकेंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करो. तो 1 0 0 1. अब इसको 4 से, तो मेरी बात सुनो, minus 1 by 2 into 4, तो 2 2 is 4, समझ रहे हो? तो ये नंबर कौन सा होगा, minus 1 by 2 into 4, तो minus 2 और added to 1, तो minus 1. इसको 4 1 is 4, added to 1, 3. ठीक है, अब ये this one is remaining as it is. अब बच्चों कंफर्मेशन एक बार ले लेते हैं, तो आपका जो determinant of a matrix A जो है वो 2 है, right? तो ये minus 1 होना चाहिए, 1, और ये 6, 3, और minus 1 by 2. एक मिनट, यहाँ पे कुछ technical issue आ रहा है, तो मैं देख लेता हूँ, सब कुछ बराबर है. तो बच्चों ये होगा I, तो ये A inverse into A, that will give you A inverse equals to minus 1, 3, minus 1 by 2, 1. And this will complete your question number 11. अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए. तो जो 12 वाला क्वेश्चन है वो A इक्वल्स टू
6 minus 3 minus 2, 1. Determinant of a matrix A. 6 1s are 6. Minus sign. Minus 3 minus 2. 6 equals to 0. Bacho, yahan pe first time aisa hua hai ki determinant of a matrix A kya mil raha hai? 0. To ab yahan pe likh sakte ho A inverse does not exist. तो यहाँ पे सम को आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है. तो यहीं पे ये सम क्या हो जाएगा? तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट.